और ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ। चलो जवान चलो। आज की आपकी ट्रेनिंग पूरी होगी, अब आप लोग जो हैं कैब में चले। किसी को कोई शक? नो सर। चलिए आप लोग कैब में चलिए। छोटू जी जनाब, डाबर और जावर को फोन लगाया जाए। तो फोन हेलो, डाबर और जावर, कार्लोस ने बुलाया है। डाबर, कार्लोस का फोन आया है, लगता है मिशन की तैयारी हो चुकी है। हम तो तैयार हैं, चलते हैं। अरे छोटू। हाँ जनाब। अरे डाबर और जावर कहाँ रह गए? आने वाले होंगे जनाब। अरे आ गए तुम लोग? क्या हुक्म है कार्लोस साहब? मिशन की तैयारी हो चुकी है। कार्लोस साहब का इकबाल बुलंद। इकबाल बुलंद। डाबर और जाबर, हिंदुस्तान पे 26 जनवरी पे वो आतंक फैलाना है कि बच्चा बच्चा याद करे। हम तैयार हैं। हेलो साहब, आओ तुम्हें हिंदुस्तान की बर्बादी का सामान देता हूँ। चलो चलो छोटू, जाओ हिंदुस्तान की बर्बादी का सामान दो। ये लो हिंदुस्तान की बर्बादी का सामान। कार्लोस, क्या पूरा हिंदुस्तान उड़ाने का इरादा है? कार्लोस, इसका पासवर्ड बताओ। इसका कोई पासवर्ड नहीं, ये सुबह 26 जनवरी में 8 बजे फट जाएगा। इंटेलिजेंट की खबर के मुताबिक ये खबर प्राप्त हुई है, आतंकवादियों के सरगना कार्लोस ने कुछ उग्रवादी हमारी उत्तरी सीमा से भारत में प्रवेश करा दिए हैं और उनका इरादा 26 जनवरी पे कोई आतंकवादी या कोई बड़ी घटना को अंजाम देने का है।
देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये हमारे उत्तर में चाइना है और ये अफगानिस्तान है। देखो ये हिंदुस्तान की उत्तरी सीमा है, हमारे उत्तर में चाइना है। अफगानिस्तान से लगते हुए हमारे ये एक POK की एक छोटी सी जगह है जिस पर अक्सर पाकिस्तान के साथ विवाद भी रहता है। यही POK की तरफ से हमारे आतंकवादी इस देश में प्रवेश करते हैं और अब भी करे होंगे, अंदाजा है ऐसा कि करके होंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस मिशन को हम लोग आपस में मिलकर कामयाब करें और उन आतंकवादियों को जो 26 जनवरी को कुछ भी करना चाह रहे हैं उनके मंसूबों को नाकामयाब करें। मैं इस मिशन की जिम्मेदारी मेजर खान को देता हूँ। इस उग्रवाद को मिटाने की जिम्मेदारी मेजर खान की है और इस मिशन का नाम होगा मिशन शांति। किसी को कोई शक? नो सर। ओके, मैं बहुत खुश नसीब हूँ सर जो आपने इस मिशन के लिए मुझे चुना और मैं इस देश के लिए अपनी जान की बाजी लड़ा दूंगा सर। बहुत अच्छे, मुझे तुम्हारे से यही उम्मीद थी। थैंक यू सर। डाबर और जाबर कुछ आदमी तुम्हें हिंदुस्तान में मिलेंगे जो तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है। जाओ इनके साथ। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारों। आओ जावर, आओ आओ डावर। क्या इतना बड़ा सामान किस लिए बुलाया है? क्या काम है बताओ, कि कहाँ बम लगाना है? हमें तो कार्लोस साहब ने भेजा है कि हमारे आदमी मिलेंगे। तुम उन्हीं के आदमी हो ना? ठीक है, इतना बड़ा सामान क्या पूरे हिंदुस्तान को उड़ाना है? पूरे हिंदुस्तान को उड़ाना है। ठीक है, हो जाएगा काम। माल कितना मिलेगा? काम होने के बाद टेंशन ना लो, हमारा कार्लोस बहुत माल देगा तुम्हें। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, ओके। उस काम की बात हो गई? हो गई, डन डन हो गई। ठीक, डन है, हो गई। नो, हिंदुस्तान का नाश करने के लिए। ठीक है सर। मेजर साहब, मैं सारे मैनेजर मार के आया हूँ। इधर तो हर जगह हमारे फौजी और पुलिस वाले तैनात हैं। कर्नल साहब के बताए रास्ते से तो उन आतंकवादियों का आना बहुत मुश्किल है। मेरा मानना तो यह है मेजर साहब, वो आतंकवादी इन रास्तों से कभी नहीं आएंगे। अगर वो आए ना तो नदी के पार वाला जो जंगल है उस रास्ते से आ सकते हैं, क्योंकि उधर एक छोटा सा गांव है और वहाँ हमारी फोर्स नहीं है। तो मैं एक दिमाग लगाया, तुमने सही दिमाग लगाया। मैं तुम्हें बता रहा था ना, उधर गांव है। जी सर, जी सर, सही इन्होंने दिमाग लगाया। तो मैं ये चाहता हूँ सर कि दो टीम कर लेते हैं और गांव वालों से जाकर पता करते हैं कि तुमने कोई अज्ञात आदमी तो नहीं देखा इधर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ठीक है सर, ऐसे करो, दो दो आदमी हो जाओ, तुम हमारे साथ, तुम इनके साथ। ठीक है सर, जाकर पता करो गाँव में। सुनो, वो जहाँ कहीं भी होंगे उन्हें ढूंढ ढूंढ के मारना है
और इस देश को बचाना है। बिल्कुल सर बिल्कुल। तुम कौन हो? जी हम तो गांव वाले। गांव वाले हो? यहाँ क्या कर रहे हो? ये हमारा बाग है, इसकी देख रेख कर रहे हैं। अच्छा देखो, हमें सूचना मिली है, हमारे कर्नल साहब ने बताया कि इस नदी के एरिया के जंगल में कुछ घुसपैठिए घुस चुके हैं जो हमारे हिंदुस्तान को नुकसान करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। तो हम आपसे कहने आए हैं कि अगर आपको कोई भी आदमी, हाँ अनजान अज्ञात आदमी दिखे तो बराबर में 1 किलोमीटर पे हमारी मिलिट्री की चौकी लगी है। अगर कोई भी ऐसा आदमी दिखे खतरनाक हथियार वाला तो हमें बता देना वहाँ पे आके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय हिंद। बाबा ये है कौन थे? ये बेटे सैनिक है, हमारे देश की रक्षा करते हैं। इनके पास ये रात दिन बॉर्डर पे खड़े रहते हैं और लगे रहते हैं। इनके पास तो इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें थी। हाँ तो ये सरकार ने दे रखी है हमारी रक्षा के लिए। मैं तो डर ही गया था। नहीं नहीं घबराने वाली बात नहीं बेटे, वो तो हमारे सैनिक है। हाँ चलो उधर चलते हैं। होशियार हो गए चन्ना, आर्मी का खतरा हो सकता है। बिल्कुल आर्मी का जवान कैसे भी अटैक कर सकता है। होशियार हो गए चन्ना भाई। जावर भाई थोड़ा रुक के चलते हैं, सफर लंबा है, रुको सब यहीं पे। ठीक है आराम करते हैं, आराम करते हैं, थोड़ा रुको, बैठ जाओ बैठ जाओ। उधर से भी सफाई करनी और उधर से भी, और जरा उस पेड़ के नीचे भी देखियो, और जो हमारा खेत है ना उधर से पैर देखो, किसी की पैर तो नहीं आएगी अंदर बाग में। ठीक है जी, कभी कोई आया हो हमें पता भी नहीं है। ठीक है बाबा। हाँ उधर को चलो आओ। ओहो ये कौन आदमी बैठे हैं? ओहो इन्होंने तो आग भी जला रखी। ला जाकर बाबा को बताऊं, बाबा भी पता नहीं कहाँ फिर रहा होगा। ला चलो। बाबा बाबा। हाँ बेटे। बाबा बाबा। हाँ बेटे। बाबा वहाँ हमारे खेत में बहुत सारे आदमी बैठे हैं और उनपे जैसे उन फौजियों पे हथियार थे वैसे हथियार भी है उनपे। अच्छा जो है बंदूक के लिए रखी थी उन्होंने जी, और उनमें से एक के पास तो मिसाइल भी है। ओहो चलो मैं देखता हूँ चल के बेटे। बाबा आपके पास तो कुछ भी नहीं है, उनके पास तो हथियार है। जिनके पास कुछ नहीं होता उनके साथ अल्लाह होता है बेटे, मैं चलता हूँ। चलो आओ बेटे मेरे साथ आओ। अरे ये तो वही आतंकवादी लगते हैं जो फौजी बता रहे थे। अल्लाह बस तू ही मदद करने वाला, हमारी मुल्क की हिफाजत करने वाला तू ही है मेरे मौला। मैं जाता हूँ और इन्हें देखता हूँ। आओ बेटे अरसलान तुम जाओ और पास की चौकी में खबर दे के आओ, मैं जब तक के इन्हें रोकता हूँ। क्या बात है बेटे क्या बात है? वो बहुत सारे आदमी मैंने अपने बाग में बैठे हुए देखे हैं, उनके पास ऐसे ऐसे बहुत सारे हथियार है। मेरे बाबा उनसे मिलने गए हैं। बाप कहाँ है? कहाँ है तुम्हारा बाप? चलो तुम्हारे साथ चलते हैं। चलो 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 बेटे चलो, घबराओ ना तुम, घबराओ ना। लगता है कोई आ रहा। कौन हो तुम? हम तो मुसाफिर हैं, रास्ता भटक गए। मुसाफिर कहाँ से आए हो? हम बाहर से आए हैं, रास्ता भटक गए। और मुसाफिर के पास हथियार कहाँ से आए? हथियार ये तो खिलौने हैं, हथियार नहीं है। कहाँ से आए हो? उड़ा दो सालों को। नहीं यहाँ गोली मत चलाना, गोली कोई नहीं चलाएगा यहाँ पे, आवाज का पता लग जाएगा सबको गोली का कि यहाँ घुस चुके हैं। कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी हमारी सरजमी पर अपने नापाक कदम रखने की?
चलो निकलो यहाँ से, भागो भागो जल्दी भागो। चलो हाँ निकलो यहाँ से, सही कह रहे हैं। चलो चलो भागो यहाँ से, चलो भागो यहाँ से, चलो चलो। सर इधर ये कौन खड़ा है? इनको कॉल नहीं है। ये तो मेरे बाबा है, मेरे बाबा को मार दिया, मेरे बाबा को मार दिया। यही तो मेरे बाबा है। घबराओ मत बच्चा, घबराओ मत, उठो। ये उठो, यहाँ लड़ रहे थे। किसने मारा इनको? किसने मारा बेटे? बहुत सारे आदमी बैठे थे, उनके पास हथियार थे। हथियार थे? ऐसे ही थे का? देखो जरा, ऐसे ही थे। एक मिसाइल भी था बहुत बड़ा, तेरे बाबा को मार दिया। अरे अरे ये तो जिंदा है, अरे जिंदा है तो उठो उठो, जिंदा है। अरे जल्दी हो, उठो उठो। क्या हुआ? चक्कू लगा, चक्कू। मेजर खान जी, इन्हें हॉस्पिटल ले जाने का बंदोबस्त करो सर, हो सकता है इनकी जान बच। कितने आदमी थे वो? किसने मारा तुम्हें? वो आतंकवादी थे सर। आतंकवादी? हाँ। मेरे बाबा किधर गए? वो इधर को गए। इधर गए? हाँ। कितने लोग थे वो लोग? वो कम से कम 7-8 लोग थे। 7-8? हाँ। चलो बाकी और आदमी थे। नहीं नहीं, मेडिकल में छोड़ देना, छोड़ देना, एम्बुलेंस बुलवा। मेजर खान सर, वो आतंकवादी कहीं आसपास ही हैं। हमारा आइडिया बिल्कुल सही निकला सर। अब वो वक्त आ गया है कि उनका हम काम तमाम करें। ढूंढो उन्हें, चारों तरफ जंगल में फैल जाओ बिल्कुल, और उनका काम तमाम करो, और मिशन शांति में कामयाबी जी मिलेगी हमें। चलो कमांडो, चलो इधर फैल जाओ सर। चलो चारों तरफ ढूंढ जाओ। क्या हुआ कमांडो? मेरे साहब तुम मेरे पे ध्यान ना दो, तुम जाके देश को बचाओ। अरे नहीं, तुम मिशन पे ध्यान दो। नहीं खड़ा हो, हमारा एक जवान शहीद हो गया अभी अभी। हाँ, मैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये तुमने क्या किया? इसे हम जिंदा पकड़ सकते थे। मेजर साहब, अपनों को धोखा और दुश्मन को मौका मैं कभी नहीं देता। चलो
क्या हुआ? क्या हुआ? सर मेरी चिंता मत करो, देश के लिए लड़, मिशन के लिए लड़। कमांडो ठीक, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, कुछ क्या नहीं हुआ, क्या हुआ? हाँ हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। अरे हाँ, तुम्हारे तो गोली लग गई है। खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। कोई बात नहीं सर, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, कोई बात सर, आप मिशन शांति पे ध्यान दो। कोई नहीं, कोई नहीं, ये तो छोटे मोटे जख्म तो हम सैनिकों को लगते रहते हैं। कमांडो हमारे पास तो गोली भी एक ही बची है, और अब ये आदमी कितने घूम रहे हैं उधर। मेजर साहब हमारे पास भले एक गोली एक बची हो, लेकिन अभी तो तीन जिंदगी बाकी है। आप, मैं, कर्नल साहब लड़ेंगे और उन्हें मारेंगे। चलो डाबर मेरे भाई, डाबर डाबर मेरे भाई, डाबर क्या हुआ तुझे? डाबर मेजर, मेजर जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, मेजर मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे, मेजर मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेजर मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेजर मेजर चलो चलो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेजर पर बताओ मिसाइल कहाँ है? ये रहा कार्लोस, ये रहा मिसाइल। चल मेजर खान, मिसाइल मिसाइल पे करो, हैंड ओवर करो, अपने मिसाइल पे हैंड ओवर करो, धीरे आराम से फटना चाहिए, फटना चाहिए। मेजर खान इतने खतरनाक आतंकवादी का जिंदा रहना मुनासिब नहीं है सर। कर्नल साहब कार्लोस को क्या करना है? कार्लोस पकड़ा गया, मिसाइल पकड़ी गई, डाबर और जाबर मारे गए, हमारा मिशन शांति कामयाब हुआ, इसका हिसाब, इसका फैसला कार्लोस का कानून करेगा। यस सर। मेजर खान आपको बधाई हो, आपने मिशन शांति में कामयाबी दिलाई सर। आप लोगों को बधाई है, आप लोगों को बधाई हो सारे जहां से। अच्छा हिंदुस्तान हमारा।